अगला जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि एक एलआर सर्किट होता है, उसमें जब उसका चार्जिंग होता है यानी करंट जब धीरे धीरे ग्रो करता है तो सर्किट में किसी टाइम पर कितना करंट होता है, कितना चार्ज फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। कहा गया है एज शोन इन द फिगर, ये डायग्राम दिखाया गया है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, द स्विच इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, द टोटल चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी सी, वेयर टी सी इज द टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक, ये देखेंगे सर्किट दिया गया है तो t इज इक्वल टू जीरो पर इस सर्किट को हम लोग क्लोज कर देंगे, तो क्लोज करने से किसी भी टाइम t पर इसमें जो करंट फ्लो करता है वो हमें पता है e बाई आर वन माइनस e पावर माइनस t बाई टाइम कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। अब अगर हमें चार्ज पता करना है कि कितना चार्ज फ्लो किया तो इसको I इंटू डी टी करके इंटीग्रेट किया जा सकता है जीरो से टी सी तक। ठीक, तो I का वैल्यू यहां से रखेंगे ई वाई आर इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टी सी इंटू डी टी, जीरो से टी सी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो ये आएगा ई वाई आर इंटू डी टी, ये हो गया माइनस अगला टर्म जो है ई बाई आर ई पावर माइनस टी बाई टी सी डी टी, ऐसे अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं दो टर्म में, है ना। तो पहला जो टर्म आएगा ई बाई आर डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी और लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा टी सी माइनस जीरो माइनस ई वाई आर, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा ई पावर माइनस टी बाई टी सी डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टी सी, है ना। ये जो है जो कांस्टेंट है माइनस वन बाई टी सी से डिवाइड कर देंगे और इसमें लिमिट रखा जाएगा जीरो से टी सी। ठीक, तो ये हो गया ई वाई आर इंटू टी सी, देखेंगे ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस टी सी इंटू ई वाई आर, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब बाकी ये रह गया, इसमें लिमिट रखेंगे तो ई पावर टी के जगह पर पहले टी सी रखेंगे तो आएगा माइनस वन, टी सी बाई टी सी कैंसिल हो जाएगा, ई पावर माइनस वन माइनस ई पावर जीरो रख देंगे, है ना, तो ये आएगा। तो ये हो गया ई बाई आर इंटू टी सी प्लस टी सी इंटू ई बाई आर इंटू, ये ई पावर माइनस वन है तो मैं ई से डिवाइड कर देता हूँ, माइनस ये हो जाएगा वन, यानी कि टी सी इंटू ई बाई आर। तो देखेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया तो फाइनली ये वाला टर्म रह गया अपने पास, ये रह गया e बाई ई इंटू आर इंटू टी सी, ई बाई ई इंटू आर, जो टी सी होता है जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है एल बाई आर। तो फाइनली ये आया e इंटू एल डिवाइडेड बाई ई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे ये जो है ये फोर्थ वाले ऑप्शन में आंसर आ रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखेंगे ई एल बाई ई इंटू आर स्क्वायर, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया।